चैप्टर थर्ड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स लेटरल थिंकिंग अडेप्टड एक चैप्टर जो है ये बच्चे गल है हो रही हैगी एक पोअर फार्मर हैगा उन्हें लोन लिया हैगा किसी मनी लेंडर तो शाहूकार तो जिहड़ा फार्मर हैगा किसान तो पैसा वापस नहीं हुआ लोन का शाहूकार कहिंदा वी मैं उहदी लड़की बड़ी फार्मर की लड़की सी और बड़ी समार्ट सी शी वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलीजेंट ये पॉइंट आउंदा हैगा ब्यूटीफुल सी इंटेलीजेंट भी सी शाहूकार कहिंदा वी अपनी लड़की मेरे नाल ब्याह दे फिर उन्हें कंडीशन रखी शाहूकार ने भी मेरे को दो पैबल है पैबल कंकर है काले रंग के भी मैं एक थैले पाऊंगा ये एक हाथ के नाल कंकर कढ़ेगी जे तो इन्हें काले रंग का कंकर चक लिया तो लड़की मेरे ब्याह करवाना पड़ेगा तो फिर कहता शाहूकार अपने किसान कहता फिर तेरा कर्जे वाला माफ हो जाएगा जे कहते हैं वाइट रंग का पैबल कंकर चुक लिया तो की होगा फिर कहता भी तेन ब्याह करवाने की लोड़ नहीं तेरा कर्जा ही माफ हो जाएगा एक किस्म की गेम खेडी हैगी मनी लेंडर ने शाहूकार ने ठीक है फिर की हुआ इस तो बाद एक रोड पर खड़े थे दैट रोड वॉज कवर्ड विद पैबल्स उत्थे पैबल ही पैबल से देर वॉज ए बैग देर वॉज ए बैग इन द हैंड ऑफ ए अपने मनी लेंडर उन्हें बड़ी चलाकी नाल दो जिहड़े सी पैबल जिहड़े सी कंकर सीगे ब्लैक कलर दे उहदे रख बट द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलीजेंट सी सॉ इट दैट मतलब समझ लिया कि जिहड़ा शाहूकार हैगा वह बेईमान हो गया उसने सिचुएशन किवें संभाली हैगी लेटर का मतलब की हैगा लेटर थिंकिंग का मतलब होंदा हैगा थिंकिंग डिफरेंटली जिस तरह आप आम सकते उस तो अलग होकर सोचना थिंकिंग इन ए डिफरेंट वे ठीक है हुण लड़की ने किया एक हाथ के नाल पैबल कढ़िया उहदे थैले चुक के उन्हें रोड के उपर मारे हम दोनों ही ब्लैक कलर के सके हम जो बाकी बचे वह ब्लैक कलर का सगा जिहड़ा सामने सारे चौके मारे रोड के उपर क्योंकि उन्हें कहा कि मैं एक वाइट रंग का पाऊंगा एक काले रंग का पाऊंगा पर उन्हें शाहूकार अपने शाहूकार ने चलाकी दोनों ही काले रंग के पा और लड़की ने एक चौके चो बाहर सैट बचिया काले रंग का आ गया वह तो चुकया नहीं चुकया है वाइट रंग का है इस तरह जो कर्जे तो बच गया ठीक है अगली गल दूजा भी एक न्यूयॉर्क का रहने वाला अमेरिका न्यूयॉर्क है थॉमस ना का व्यक्ति से बड़ा रिचेस्ट पर्सन से अमेरिका का उन्हें फरारी गड्डी सी और कितने जाना सोचा भी जे मैं इतने रेंट गड्डी किराए से कितने खड़ी की रेंट बहुत पजना किराया बहुत पजना है ਉਹ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਸੀਗੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ $5,000 ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ $5,000 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਮਾਨਤ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਰਾਰੀ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀ ਚੌਕੇ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ $5,000 ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ $15 ਪੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲੇਟਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਦਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਰੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬਚ ਗਈ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੇਫ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਚਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੇਫ ਸੀਗੀ $15 ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਰ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਐਡਵਰਡ ਡੀ ਬੋਨੋ ਐਡਵਰਡ EDWARD DED ਬੋਨੋ BON ਐਡਵਰਡ ਡੀ ਬੋਨੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਓਨ ਇਹ ਲੇਟਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਡਾਜਰੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਡਾਟਰ ਵਾਜ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਵਾਜ ਵੈਰੀ ਮੀਨ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਮੀਨਾ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ MEN ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥੋਮਸ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਆਫਟਰ ਟੂ ਵੀਕ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ 2 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ $5,000 ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ
15 डॉलर। ठीक है भाई, यही पॉइंट सके, होर तो ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ओके, थैंक।